नमस्कार, मैं अलना खान, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24x7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पेरू के राष्ट्रपति के हिरासत में लिए जाने के बाद पहली बार महिला नेता ने संभाली कमान। देश को पहली बार महिला राष्ट्रपति मिली है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति पेद्रो कास्टेलो की संसद भंग करने की कोशिशों के बीच उन्हें महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया। पेशे से वकील 60 वर्षीय बोलुआर्ते ने पद संभालने के बाद कहा कि वो जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति रहेंगी। पेद्रो कास्टेलो का कार्यकाल भी उसी समय खत्म होने वाला था। शपथ ग्रहण के बाद बोलुआर्ते ने देश को मौजूदा संकट से निकालने के लिए राजनीतिक शांति समझौते पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं देश को बचाने के लिए सिर्फ थोड़ा वक्त चाहती हूँ। बुधवार को नाटकीय सियासी घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब पेद्रो कास्टेलो ने नेशनल टेलीविजन पर दिए संबोधन में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। इराकी सुरक्षा बलों ने दक्षिण में दो प्रदर्शनकारियों को मार डाला। पुलिस और चिकित्सा सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इराकी सुरक्षा बलों ने बुधवार को दक्षिणी शहर नसीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए गोला बारूद का इस्तेमाल करने के बाद दो प्रदर्शनकारियों को मार गिराया। सूत्रों ने कहा कि कम से कम 16 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, मुख्य रूप से जिंदा गोलियों से, जब सुरक्षा बलों ने उन्हें पुलों और केंद्रीय चौक से दूर ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया जिसमें 17 लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के एक गवाह ने कहा कि बाद में भीड़ अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर जमा हो गई और दोनों शवों को छोड़ने की मांग करने लगी। लगभग 300 लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसे मुख्य रूप से शिया शहर नासिरिया में कार्यकर्ताओं को लक्षित करने वाली हालिया गिरफ्तारियों के विरोध में बुलाया गया था। दिल्ली में सूटकेस के अंदर मिली महिला की लाश। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बुधवार शाम को पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक सूटकेस में एक अज्ञात महिला का सड़ा गला शव मिला है। पुलिस के मुताबिक उनके कंट्रोल रूम को एक सूटकेस के बारे में फोन आया जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसे नाले से बाहर निकाला और सूटकेस खोलने पर अंदर एक महिला की सड़ी गली लाश मिली। अत्यधिक सड़ी गली हालत में मिली महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र करीब 28 से 30 साल बताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया है। पहले चरण के बाद बिहार में होने वाले प्रमुख चुनावों में भाजपा आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुरहानी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आज विपक्षी भाजपा ने शुरुआती बढ़त हासिल की। पहले दौर की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता को 4,194 वोट मिले जबकि जदयू के मनोज सिंह कुशवाहा को 2,195 वोट मिले। कुल मिलाकर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से 5 निर्दलीय हैं। हालांकि मुकाबला मुख्य रूप से गुप्ता और कुशवाहा के बीच देखा जा रहा है। दोनों पूर्व विधायक हैं। राजद विधायक अनिल कुमार साहनी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव की आवश्यकता थी। भारत पे ने पूर्व एमडी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने भारत पे ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर की पत्नी और पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करने के अपराध से संबंधित है। अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? कोई सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन पर भी फॉलो करें और इंडस न्यूज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।